हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो भाई देख सकते हो हम लोग यहाँ पे भी स्पॉन है अपने पुराने वाले घर में, और ये है इसका छत पे हम लोग अभी यहाँ पे अपना नेदर पोर्टल है जो हम लोगों ने पिछले वीडियो में बनाया था, और ये काफ़ी मस्त लग रहा है। बट इसके साइड में मैंने अपना वो टेराकोटा नहीं डाला है, तो पहले हम उसको डाल रहे जल्दी से। और उसके लिए हम लोग पहले अपने वो वाले टावर वाले घर में जाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर तो हमारे पास कोई भी चेस्ट है नहीं, उसमें कोई सामान भी नहीं है। और बाहर यहाँ बहुत सारे मॉन्स्टर आए हुए हैं अभी, और पहले इसको मरने देते हैं, उसके बाद जाएंगे हम लोग। मैं बीच में कुछ शॉर्ट्स डाले थे जिसमें मैंने बेडरॉक किससे एस्केप किया था, और यार उस वीडियो में काफ़ी सारे व्यूज़ आए यार। एक उसमें लास्ट वाली वीडियो में तो भाई 1.1 के व्यूज़ आए, और साथ में 100 लाइक भी थे। अभी वो 99 हो गया, पता नहीं किन ने लाइक वहाँ से हटा लिया है, पता नहीं क्यों। तो भाई अभी लेकिन काफ़ी सारे वहाँ से व्यूज़ आए भाई, 1.1 के व्यूज़। तो एक मुझे काफ़ी अच्छा लगा, उस वीडियो में काफ़ी ज़्यादा रिस्पॉन्स आया जिससे मुझे काफ़ी अच्छा लगा। तो थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट। और भाई चलो अपने अपने काम कंप्लीट करते हैं। मैं अपना टेराकोटा लेता हूँ पहले, और अपना चेस्ट पूरा भरा हुआ है, और आज मैं नजर में भी जाने वाला हूँ। तो नजर में जाने के लिए हमको पहले अपने सब कीमती सामान हमें हटाने पड़ेंगे, क्योंकि भाई कीमती सामान लेकिन मैं बिल्कुल नहीं जाने वाला, क्योंकि क्या पता नहीं कहाँ पर वो हमें स्पॉन दे देगा, पर मैं क्या क्या डैमेज हो सकता है वहाँ से। तो इसलिए मैं पहले सब सामान रख दूंगा यहाँ पे। तो मैं डायमंड तो बिल्कुल भी नहीं ले जाने वाला, और बोर्ड भी मैं रख देता हूँ यहाँ पर, सब सामान रख देता हूँ। चलो ऐसा कुछ अपने लुक आ रहा है अपने पोर्टल का बनने के बाद, तो चलते जल्दी इसके अंदर। और यहाँ पे कोई और कीमती सामान मेरे पास नहीं है, तो चलते जल्दी से 3, 2, 1 को। एक मिनट भाई, एक मिनट भाई, मैं इतने मस्त मस्त चीज़ पहन के रखा हूँ भाई, क्या अजीब सी आवाज़ है यार। पहले मैं इतनी चीज़ पहन के रखा हूँ, उनके बारे में हटा देता हूँ, कि यार अगर ये चलेगा तो फिर बाद में वापस नहीं मिलेगा। और आई थिंक वहाँ पे हम लोग को, अगर मैं भाई बहुत सारे मॉब्स भी होते हैं जैसे कि पिगलिंग्स होते हैं, तो उनसे बचने के लिए हम लोग को एक गोल्डन हेलमेट पहनना पड़ता है। तो आई थिंक मुझे एक गोल्डन हेलमेट, और चलो चलते हैं जल्दी से हम लोग। और इसको मैं पहन भी सकता हूँ मैं, और मैं मस्त चलते हैं जल्दी से वापस अपने नेदर पोर्टल, अपने नेदर पोर्टल के पास। बस एक मिनट, मतलब घर के पास पहुंच चुके हैं, और यहाँ आ चुका हूँ मैं नेदर पोर्टल के पास। और चलते हैं भाई 3, 2, 1 गो। और भाई मैं आ रहा हूँ अपने नेदर में, और देखते हैं भाई क्या मिलता है अपने नेदर में। भाई काफ़ी अजीब सी आवाज़ आई और दिख रहे हैं मुझे अभी तक, और आई थिंक यहाँ पे अभी तो कोई मॉब्स नहीं है, बट यहाँ पे भाई काफ़ी सारे मॉब्स दिख सकते हैं भाई, वहाँ भी एक मॉब्स है। और ये मुझे बिल्कुल मार तो नहीं रहे, और उस यार ये क्या आ रहा है भाई मेरे पीछे पीछे। एक मिनट, आई थिंक इसको हम लोग को आयरन गोलम की तरह मारना पड़ेगा कहीं चढ़ के। तो मैं यहाँ पर आके इसको रख के चढ़ के देखता हूँ, जिससे तो भाई ये मर गया, और इससे मुझे कुछ मिला भी नहीं। थोड़ा सा नीचे आके देखता हूँ मैं, और ये मैंने सामान उठा लिया है, और यहाँ से एक और आ रहा है ज़ॉम्बी ऐसी वाला। अभी जल्दी चल जा, अभी यार चढ़ नहीं रहा यार, अरे यार चढ़ नहीं रहा यार, ओ शिट भाई भागो जल्दी से। पहले अपना हेलमेट पहन लेता हूँ जल्दी से, अभी सही है, अब नहीं कर पाएगा ये कुछ। थोड़ा दूर भागता हूँ पहले मैं भाई, यहाँ पे तो और लोग यार ऐसी वाले, तो मैं वहीं साफ जगह देख के वहाँ पर चढ़ जाता हूँ। और भाई यहाँ पहुँच चुका हूँ मैं, तो आ चुका मैं थोड़ा सा ऊपर अभी, तो आई थिंक कोई मेरी परेशानी कर, यहाँ पर लावा भी है देख सकते हो भाई, काफ़ी सारा लावा है वहाँ पर। और यहाँ पर मैं पीछे नहीं आ रहा, पहले थोड़ा खाना खा लेते हैं, मुझे कुछ नहीं कर रहा है, और मैं मारूंगा तो मुझे डैमेज करेगा। भैया मर चुका है, ऐसे मुझे गोल्ड की स्वॉर्ड मिली, और भाई कौन मार रहा है मुझे, वो शेर भाई ये लोग मुझे, भाई यहाँ तो पूरी गैंग पार्टी हो गई भाई, बस ये लोग मुझे मारना है, मुझे दूर भागना पड़ेगा पहले, उसके बाद मैं यहाँ पर आई थिंक सेफ उठाऊंगा। तो भाई आई थिंक मैं बच चुका हूँ, वो शेर भाई ज़्यादा देर नहीं बचने वाला मैं, क्योंकि लोग तीर मार रहे भाई, अगर इनकी तीर मेरे पे लग गई तो भाई मैं सीधा गिरूंगा। ओ शेर भाई लग गई, ओ शेर भाई लग गए अपने, तो भाई भागो यार किसी भी तरह से मुझे भागना पड़ेगा यहाँ से। भाई यहाँ पर पूरी गैंग है यार यहाँ पर, तो ओ शेट भाई आई थिंक मैं फंस चुका हूँ, बहुत गजब फंस चुका हूँ मैं, बहुत खतरनाक। और यहाँ पे बचने का आई थिंक कोई रास्ता नहीं है, तो भाई अपने को बिल्कुल भी यहाँ पे कोई किसी पिकलिंग से पंगा नहीं लेना है, अपने को सीधा जाना है। पहले मुझे अपने सामान लेके आ जाता हूँ जल्दी से, ताकि मुझे और कोई डैमेज या कोई भी दिक्कत ना हो। और आई थिंक मुझे फिर मेरे पीछे पड़ने वाले हैं, क्योंकि मैं हेलमेट नहीं पहना हूँ, तो ये लोग फिर मेरे पीछे पड़ चुके हैं, और मेरा सामान बस मुझे मिल जाओ यार। मेरा गोल्डन स्वॉर्ड भी गायब है, तो मैं बेकार में यहाँ पे आ गया यार, क्योंकि गोल्डन मिली तो मैं सिर्फ गोल्डन स्वॉर्ड लेने आया था, क्योंकि मुझे उनको मार के मिला था। और मेरा हेलमेट भी नहीं है यहाँ पर, और सब मुझे मर जा नहीं सही रहेगा यार, क्योंकि यहाँ पे कुछ सामान है नहीं, मार दो यार मुझे। और एक ब्लॉक एक्स्ट्रा है, तो भी चलते हैं जल्दी से पहले वापस अपने नज़र में। और इस बार हम लोग बिल्कुल भी पहले हेलमेट पहन ही देता हूँ मैं, पहन के जाता हूँ हेलमेट, तो अभी सही रहेगा, मैं थोड़ा बाहर तक देख सकूँ। और यहाँ पर एक गेट बनाना है मुझे, और इस पेड़ को मैं काट के देखता हूँ इस पेड़ से मुझे वुड मिलता है या नहीं, ताकि मैं ऐसे सबको मैं एक साथ मार दूँगा। यहाँ पर मिला है फ्लैंक्स जो कि पूरा रेड कलर में है, देता हूँ, और फिर मैं वहाँ से सबको एक साथ मारते रहूँगा अपना, और फिर आराम से हम लोग को सब अपना सामान मिल जाएगा ना होगा। तो आई थिंक अब ये मुझे मारने आ रहे भाई, वो शेट जल्दी घुस जा अंदर, वो शेट यार ये मार दिया, कि मैं तुरंत अपने पास सामान उठाऊंगा और घर के अंदर वापस घुस जाऊंगा, तो मुझे कोई डैमेज नहीं होगा। वो शेट यार ये लोग मेरे घर में आ चुके हैं, अरे यार ये मेरे घर में आ गए भाई, अब यार मैं ये क्या करूँ भाई, ये लोग मेरे घर के ऊपर ही खड़े हैं, जिस तरह यहीं पर खड़े हैं। आई थिंक मुझे कुछ खतरनाक करना पड़ेगा तभी मैं इनसे बच पाऊँगा। पहन लेता हूँ पहले मैं, एक मिनट, शील्ड मैंने पहन लिया है, चलते हैं वापस उसके ऊपर अटैक करने अपने डायमंड के शॉट से। और मुझे कोई भी डिस्टर्ब मत करो, ये रहे ज़ॉम्बी रहा, ये तो आई थिंक एक बार ही मर जाएगा। तो भाई इसको मैंने 3 बार में इसको मैंने मार दिया है, और यहाँ पर अपना हैट मिल चुका है भाई, जो मैंने वहाँ से उन लोगों ने चुराया था, तो भाई अच्छा भाई हैट मिल चुका है अपने को, और अब मैं आराम से सो पाऊँगा। और भाई यहाँ पर भी अपने पति से टेक पिकिंग यहाँ आ रहा, और ये भी आ जाएगा ऊपर, तो भाई आ जाओ ऊपर, आ जाओ मैं तुम्हें पहले मार देता हूँ। वो ये भी मर चुका है, इससे मुझे और गोल्ड इंगट मिला है,
और गोल्ड इनगेट मतलब गोल्ड के नगेट मिलाए मुझे इससे, और नहीं है क्या इतनी थे, मान रख लेता हूँ मैं। और ये स्टिक लेके जाऊँगा बस, मैं स्टिक से क्या करूँगा मैं वहाँ पर। चलो कोई बात नहीं, देखते हैं। मैं हेलमेट ही पहना हूँ तो ये मुझे डैमेज नहीं देंगे। अभी बकेट आ चुका है, ये देख सकते हो अपना बकेट वापस आ चुका है अपने पास। तो यार ये सही है एकदम, आप कोई दिक्कत नहीं होने वाला अपने को, एकदम सेफली हम लोग यहाँ पे सब रह सकते हैं। और यहाँ पर एक स्वॉर्ड भी मिल चुकी है मुझे अपनी, वही वुडन वाली स्वॉर्ड। और स्टिक भी आ चुका है, बस वो पिगलिंग भाई यहाँ पे वो पीछे आ रहा है यार मेरा। शिट यार, यार इन लोग का क्या है यार, इतना क्या दुश्मनी है इसको मेरे से, बार बार मेरे पीछे पड़ जाता है ये सुअर। अभी स्वॉर्ड मेरे पास लकड़ी वाली ही, बस इससे मैं क्या ही बिगाड़ पाऊँगा उसका। उसको मैंने मार दिया भाई, देख सकते हो फिर से मैंने रिस्क लिया है। और गेट बंद हो गया भाई, बच गए ये लोग, गेट खोल पा रहे हैं तो इससे पहले ये लोग आ जाए सब। मैं जल्दी से पहले चल जाता हूँ अपने वर्ल्ड में वापस, बंद हो जाना। अभी तो आज की वीडियो में मैं इतने करने वाला हूँ, क्योंकि ज़्यादा कुछ करने वाला हूँ नहीं इसकी वीडियो में। गेट देख तो काफ़ी दिक्कत हो रहा है यहाँ पे डैमेज में, तो मुझे पहले इतने अच्छे पर तैयारी करनी पड़ेगी, उसके बाद ही मैं नज़र में जा पाऊँगा, तभी एकदम सेफली जा पाएंगे और आ पाएंगे वहाँ से। तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और भाई उस वीडियो का सपोर्ट दिया तुम लोगों ने इतना, 1.1 के व्यूज़ ला दिया और 100 से भी ऊपर लाइक्स लाया, शुक्रिया तुम लोग का। और थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और क्या बोलूँ भाई, बाय।